नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बन रहे दूसरे रेलवे सुरंग पुल के बारे में। बिहार में इन दिनों यातायात को लेकर बेहतर काम हो रहा है। बता दें कि बिहार सरकार जहां सड़कों को लेकर सजग है, वहीं बिहार में रेलवे भी यातायात सुविधाओं पर ध्यान दे रही है। मुंगेर के जमालपुर भागलपुर रेलखंड के बीच में बिहार की दूसरी रेल सुरंग बनकर तैयार है। यह रेल सुरंग मुंगेर की गौरव गाथा को दिखाता है। बता दें कि जब इस सुरंग में आप प्रवेश करेंगे तो दोनों तरफ साइड वॉल बनाया गया है। इन दीवारों पर कैनवास की साइज देकर जिले के ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस सुरंग के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि 28 जनवरी को मुख्य संरक्षा आयुक्त सुरंग की जांच करेंगे। इसके एक सप्ताह के बाद इस नई सुरंग को ट्रेनों के परिचालन के लिए खोल दिया जाएगा। इस सुरंग के बरियारपुर के जमालपुर की ओर से जाने वाली पहली सुरंग के प्रवेश द्वार की बाईं तरफ विशाल कैनवास बनाया गया है। इस कैनवास में लगभग एक दर्जन चित्र को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हवेली, खड़गपुर झील, श्री कृष्ण सेतु, मुंगेर गंगा पुल, कष्टहरनी घाट, भीम बांध, मुंगेर का किला, चंडिका स्थान जैसे दर्जनों ऐतिहासिक धरोहरों को सजाया गया है। जैसे ही आप सुरंग के बाहर निकलेंगे तो आपको मुंगेर का कर्ण चौराहा, योग आश्रम सहित कई ऐतिहासिक स्मारकों का चित्र दिखाई देगा। प्रदेश की बनी यह दूसरी सुरंग ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी से बनी है। इस सुरंग के अंदर पहली बार लोग अंधेरे का अनुभव नहीं करेंगे। इसके अंदर ट्यूबलाइट लगाई गई है। इससे यात्रियों को इस बात का ज्यादा एहसास नहीं होगा कि वो कब सुरंग के अंदर गए और कब निकल गए। बता दें कि इस सुरंग की खुदाई का कार्य साल 2019 के अक्टूबर में शुरू किया गया था। 2 साल तक खुदाई के बाद अब सुरंग बनकर तैयार है। इस सुरंग के बन जाने के बाद पटना, भागलपुर सहित मुंगेर, साहिबगंज और फरक्का रूट पर ट्रेनों के परिचालन के समय में कमी आएगी। मालदा डिवीजन में जमालपुर और रतनपुर के बीच बन रही दूसरी सुरंग की लंबाई 348 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर और इसकी ऊंचाई जो है 6.10 मीटर है। मुंगेर जिले में बना यह दूसरा सुरंग एक तरह से यात्रियों के लिए समय बचाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ मुंगेर की गौरवशाली गाथा को भी दर्शाता है। सुरंग में बने चित्र यह मुंगेर को देखने और समझने में काफ़ी मददगार होगा। इसको लेकर मुंगेर के समाजसेवी साई शंकर बताते हैं कि इससे मुंगेर की गौरव गाथा दूर दूर तक जाएगी। जो भी रेल यात्री इस सुरंग से गुजरेंगे वे मुंगेर के ऐतिहासिक स्थानों का अवलोकन चित्र के माध्यम से कर सकेंगे। इससे मुंगेर के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जान पाएंगे और मुंगेर के इतिहास दूर दूर तक पहुंच जाएगा। रेलवे का यह प्रयास सराहनीय है। इस तरह के कैनवास और चित्र की अगर हम और भी बात करें तो पटना जंक्शन पर भी इस तरह के चित्र बनाए गए हैं जो कि बिहार की गौरवशाली गाथा को दर्शाता है। तो वहीं यात्री यहां से गुजरते हैं तो एक बार जरूर इस गौरवशाली गाथा और बिहार के अतीत को निहारते हैं। वहीं मधुबनी में भी मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से रेलवे स्टेशन को सजाया गया है ताकि लोग मधुबनी के अतीत को समझ सके, जान सके कि उनके इतिहास से रूबरू हो सके। इसी कड़ी में बिहार में बने दूसरे सुरंग पुल को भी सजाया गया है ताकि मुंगेर और उसके आसपास के इलाकों को भी लोग जान सके। एक तरफ जहां रेलवे यातायात को सुगम बना रहा है तो वहीं बिहार के दर्शनीय स्थल ऐतिहासिक धरोहरों को भी अपने साथ समेटे हुए है ताकि लोग एक साथ दोनों चीज़ों का आनंद उठा सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।